गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम में। और गाइस कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज फिर बात करेंगे करंट अफेयर सेगमेंट के ऊपर, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम में देखने को बन सकता है ना। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ हम लोग आपके लिए ला रहे हैं और 5 AM मॉर्निंग में टाइम रहता है गाइस। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दें, है ना, मॉर्निंग में 5 AM। और 19 अप्रैल की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी टीम है गाइस अन अकेडमी की, जिसमें पिंकी सरोहा मैम करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नेहा मलिक मैम है ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। इसी तरीके से नीतू ढाका मैम है, ये भी जी एस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और ये हमारी पूरी टीम है गाइस, और भी फैकल्टी अवेलेबल हैं, जिसमें सुनील सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और पवन राव सर हैं ये भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, कौशिफ अंसारी सर हैं ये जीएस पढ़ाते हैं, और मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर्स सेगमेंट आपके कवर कराऊंगा। तो जीएस में आप जितने पोर्शन जानते हैं, चाहे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, मिसलेनियस, इंडियन पॉलिटी है ना, और इकोनॉमी, तो जो भी जीएस के सेगमेंट हैं वो, और उसके साथ में करंट अफेयर के सेगमेंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये तो 5:30 AM पे हमारी क्लास है गाइस, सॉरी 5 AM पे मॉर्निंग में। एक 9:30 पे हमारा लाइव सेशन रहता है यूट्यूब पे, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिएगा, अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो मैं जो भी क्लासेस दूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, चाहे वो प्लस की क्लास हो चाहे वो स्पेशल क्लास हो, है ना। और जैसे मोहित सर इसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और अभिषेक सरोवा सर ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं गाइज। इसी तरीके से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में, माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू गाइज। मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइज, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम की बात करें, या वो रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें, या वो पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों के सेगमेंट भी बहुत अच्छे से तैयार हो पाएंगे, आप लोग रेगुलर क्लास को फॉलो करते चलिएगा, है ना। जो जो आपको चीज़ें बताई जाएँ उसको फॉलो कीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि आप लोग करंट अफेयर 2020 की एक कॉपी बना लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, इस साल की तो अभी तो जैसे आपका अप्रैल है ना, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो करंट अफेयर सेगमेंट रहेगा वो तो हम कवर करेंगे ही, साथ में 2019 और 2018, क्योंकि अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 6 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछी जाएगी या 1 साल पुरानी, तो चाहे 2019 हो चाहे 2018, वो मैं अपने हिसाब से कवर कराऊंगा कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको फॉलो करते चलिएगा, है ना। अभी CHSL का एग्ज़ाम हुआ था गाइस, आपको पता है पोस्टपोन हो गया, तो आपको बता दें मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास के इस एग्ज़ाम में देखने को बने। और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, कहने के लॉकडाउन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं होने दीजिएगा, अपने आप से प्रॉमिस करें कि घर में बैठ के आराम से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा खासा समय है गाइस। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्या करें, बोर हो गए, कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, मुझसे कई लोग व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करके पूछते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अब ये मौका है कि आप लोग अपने आप को समझें, अपने आप से मिलें, मत मिलिए किसी और से, अपने आप से मिलिए, और कोशिश कीजिए समझने की कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब प्रश्नों पे आप लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, समय आराम से आपका निकल जाएगा, साथ के साथ बहुत अच्छी तैयारी को लेके आप लोग आगे चल रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है गाइस, है ना। इसके बारे में आई गेस हम कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। देखिए, जो मैं आपको करंट अफेयर सेगमेंट करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको मैं 2-3 तरीके से फॉलो करा रहा हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट किसी भी रूप में हमारे एग्जाम में आए और वो छूटने ना पाए, है ना। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, है ना, और एक बात करेंगे सब्जेक्टिव के ऊपर, तो हम दोनों सेशन लेके चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके चाहे MCQs हो जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए, सब्जेक्टिव में आपके चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन रहे, तो दोनों तरीके से हम लोग उसको कवर करेंगे। अब कैसा भी प्रश्न देखने को बने आप लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अजय महाजन, है ना, और कितने साल के नियुक्त हुए हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए गाइस, 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे। तो कहाँ पे, कहाँ के वैज्ञानिक ने किया है गाइस, किस यूनिवर्सिटी के? तो पुणे में स्थित है गाइस ये, है ना, पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ के वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है। ठीक है जी, तो पुणे यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा गाइस। अगला देखते हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिजर्व रेपो रेट कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा करी है? गाइज आपको बता दें, अभी तक 4% था, है ना, इन्होंने 0.25% की कटौती कर दी है, तो अब ये हो गया है 3.75%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज, किसी भी एग्जाम में देखने को बन सकता है, तो 0.25 वुड बी राइट आंसर। आपको बता दें रिजर्व रेपो रेट होता क्या है, इसके बारे में ज़रा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका आरबीआई बैंक है, है ना, और कई सारे बैंक हैं, मान लो पीएनबी कोई बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक हो गया, है ना, एचडीएफसी बैंक है, कोई भी बैंक ले लेते हैं। तो अब ये बैंक लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, ये भी जमा कराएंगे। तो आरबीआई इनके पैसों के बदले कुछ इंटरेस्ट देता है, मतलब रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स करता है। तो यानी इन्होंने जो पैसा जमा कराया है इसी पे ये इनको रिवर्स करके कुछ इंटरेस्ट देता है। अब हालांकि लॉकडाउन मंदी वाली स्थिति लगभग कहीं ना कहीं आ गई है, पैसों का आवागमन इतना हो नहीं रहा है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है कि आरबीआई बैंकों द्वारा जमा कराए गए पैसों पे जो इंटरेस्ट दे रहा है उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जा रहा है। ठीक है, अभी जो कटौती की गई है 0.25% कटौती की गई है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देंगे। प्रश्न पूछ ले आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो भैया ये तो आपको गलत होना नहीं चाहिए, है ना, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी नोट कर लेंगे, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, अच्छा गाइज, ये हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट है, आपको बता दें, क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है गाइज, और आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये तो हम लोग पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी, डेली डाउट सेशन मिलेंगे आप लोगों को, और सबसे प्लस बेनिफिट है गाइज कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेगा, चाहे वो आपकी रेगुलर क्लास हो, प्लस क्लास हो, और सारे डाउट सेशन के साथ में आपको क्लासेज यहाँ पे मिलती हैं, है ना। आप लोग अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए, तो अपना जो भी आपका गोल है एग्ज़ाम का उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एसएससी एग्ज़ाम, और अपने सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी वही बेनिफिट मिलेगा गाइस, अपकमिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप लोग क्लास ले पाएंगे, है ना। तो इतने सारे बेनिफिट तो गाइस ऑफलाइन में नहीं मिल पाते हैं आप लोगों को, तो आप लोग अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ें। और मैं सब्सक्रिप्शन प्राइस आपको बता देता हूँ, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है गाइज, ये 1 मंथ का देख पा रहे होंगे, 3 मंथ का, 6 मंथ का है, 12 मंथ, 24 मंथ की प्राइस मेंशन है यहाँ पे। ये गाइज कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस है, 10% डिस्काउंट आप लोगों को तभी मिलता है जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा, LiveNK, है ना, ये यहाँ पे मेंशन है, LiveNK मेरा कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, है ना। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ का लें, क्योंकि गाइस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम, समय लगेगा तैयारी करने में, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप लोग तैयार हो जाइएगा, समय लगेगा, है ना। तो आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं, बाकी कोई भी दिक्कत है यू गाइस कैन कॉल मी ऑल्सो, व्हाट्सएप मी ऑल्सो 9910180542 पे। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो जीएस के संदर्भ में कोई दिक्कत आ रही हो या करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे तब भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो, यू कैन कॉल मी ऑल्सो। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल करी है? बताइए, कोरोना वायरस चल रहा है मामला, लेकिन राष्ट्रपति मून जे इन ये जीत गए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, कौन से देश के बने हैं यही आपको बताना है, दक्षिण कोरिया के बने हैं गाइस, है ना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव जो आयोग है बेसिकली वहाँ का, उन्होंने जो रिकॉर्ड बताया 62.6% यहाँ पे मतदान हुआ है, कितना हुआ है 62.6% यहाँ पे वोटिंग की गई है, और 2004 के वहाँ के अनुसार बता रहे हैं, दक्षिण कोरिया के अनुसार वर्ष 2004 के बाद
सबसे ज़्यादा मतदान अब इस बार हुए हैं, है ना। हालांकि इस दौरान ये जो दौर चल रहा है इस समय कोरोना वायरस का, कहीं ना कहीं उसके सामने ये मामला आया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में? राष्ट्रपति मून जे इन, ये हैं दक्षिण कोरिया के, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप भी देखें कौन कौन बच्चे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी, राष्ट्रपति आपको पता लग गए हैं, आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस का जीनोम सिक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो गाइस ये गुजरात राज्य है जिन्होंने ये दावा किया है। बेसिकली गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज निकालने का दावा यहाँ पेश किया है। उन्होंने खोज निकाला है उसको, है ना। अब देखिए इतना तो तय है कि गाइस अब ये बीमारी ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है, बट फिर भी जब तक है तब तक आप लोग अपना टेक केयर करें, अच्छे से ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का, है ना। बाहर जाने से बचेंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। इसका वैक्सीन बहुत ही जल्द आएगा मुझे उम्मीद है, जहाँ तक लग रहा है सितंबर तक तो जाएगा गाइस, है ना। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है वैक्सीन वगैरह बनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तुरंत ला के लॉन्च नहीं किया जा सकता है। अभी देखना रहेगा कि यार उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन बन चुकी है, अभी वो टेस्टिंग पर्पज़ पे है। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा है कि वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। तो गाइस कोई डाउट होना नहीं चाहिए, भारत एकमात्र देश है जिसने समय रहते ही बहुत अच्छा कदम उठाया है, और जो केसेस आप लोग आज देख पा रहे हैं 12,000 जो भी है, ये विश्व स्तर पे बहुत ही कम है गाइस, है ना। 12,000 गाइस, 12,000 तो डेली बेसिस पे कई देशों के लोगों की मौत हो जा रही है, तो ये तो अभी तक का आंकड़ा है भारत का, है ना। तो कहीं ना कहीं IMF इसका समर्थन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्रिक किंगडम कहाँ का है? दुबई का है भैया, क्रिकेट एकेडमी है। तो किसको नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है गाइस, नोट करके रखिएगा इसको। रोहित शर्मा को दुबई में इनका एक एकेडमी है क्रिक किंगडम, है ना, क्रिक किंगडम का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो आप ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा। आगे देखते हैं, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, IMF ने ही ये आंकड़ा दिया है। IMF ही बता रहा है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी जो जो GDP है, जो आर्थिक वृद्धि दर है, वो कहीं ना कहीं शून्य की कगार पे पहुंच जाएगी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने बताया? IMF ने। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है 2020-21 के लिए, है ना। ये है 29.83 करोड़ टन, 29.83 टन। हालांकि इस बार जो बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग बता रहा है कि इस बार जो मानसून आएगा नॉर्मल साधारण मानसून रहेगा, सामान्य मानसून रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं टारगेट ये रखा गया 29.83 करोड़, या 29.83 करोड़ टन, ठीक है जी। अगला देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोगों के लिए इसमें मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस सेलिब्रेट हुआ है। इस दिन इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसका विषय क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं डेली सबके कमेंट देखता हूँ, आप देखते होंगे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ और सबको मैं डेली बेसिस पर अपडेट भी करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति गलत भी बोल देता है तो मैं उसको उसका करेक्ट करके उसको सही आंसर बता देता हूँ उसमें, है ना। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या रही, यही आपको बताना रहेगा गाइस। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से देख के कहीं से भी सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको वो याद हो जाने वाला है और आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिएगा। 17 अप्रैल को ये मनाया गया है दिवस, ठीक है।
चलिए, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? गाइस 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इसके ऊपर कहने के हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग रेगुलर क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर आपने कॉपी में नोट किया होगा, है ना। हिमाचल दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ली है? किस राज्य ने ली है पूल परीक्षण? तो गाइस भारत का एक पहला राज्य बना है जिसने ये कारनामा किया है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने पूल परीक्षण की शुरुआत करने के लिए ICMR से मंजूरी ली है, और इसके चलते जो टेस्टिंग है कोरोना वायरस की वो बहुत तेज़ी से की जा रही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे, ध्यान रखिएगा गाइस, जब परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो बच्चे यही बोलते हैं या पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप अगर क्लास रेगुलर फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ। तो राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे 11 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ है गाइस, और ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है जी। और आपको बता दें राष्ट्रीय पालतू दिवस की जो स्थापना है वो कॉलिन पागे ने की थी, इनका नाम है कॉलिन पागे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी कि भैया नेशनल पेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और कब की थी, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वर्ष 2006 में शुरुआत करी थी, ठीक है जी। इसमें ये बताया गया है कि इस दिन लोगों को आश्रय में जानवरों की संख्या को कम करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेशनल पेट डे 11 अप्रैल, कोलिन पागे व्यक्ति रहे जिन्होंने स्थापना करी, है ना, 2006 में। अगला देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? देखिए ये लंबा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कई बच्चे लंबा प्रश्न देख के छोड़ देते हैं, आप पढ़िए, हमें पूरा प्रश्न तो हमें जानना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि भैया अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारतीय मूल के कितने व्यक्तियों को शामिल किया है, इन शॉर्ट, है ना गाइस। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, 6 लोग हैं गाइस जिनको ये शामिल किया गया, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ पीपल ध्यान रखें, 6 लोगों को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने? तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, इंडिया इज बेस्ट, इंडिया भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिल्म खूबसूरत मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया है, है ना। रंजीत चौधरी, राहुल सचदेवा, विक्रम चौधरी, अमर त्यागी। तो गाइस आपको बता दें रंजीत चौधरी जी का निधन हुआ है, इनके बारे में भी हमने बहुत डिटेलिंग में बात करी थी, खूबसूरत फिल्म में काम किया इन्होंने, मिसिसिपी मसाला, अमेरिकी टीवी सीरीज थी द ऑफिस व द प्रिजन ब्रेक, इसके ये अभिनेता रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और इनका निधन हो गया है, रंजीत चौधरी। मैंने ये भी बताया था कि खट्टा मीठा फिल्म से इन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत करी थी, है ना, खट्टा मीठा। अब देखिए गाइस, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या हम बस यही आपको बता सकते हैं अपने अनुभव से कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। अब कितने पूछे जाएंगे, कौन से पूछे जाएंगे, इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, बस ये है कि आप लोग हमारे अनुभव के साथ में अपने सिलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए, अभी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को मिले, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप रेगुलर इसको फॉलो करते चलिए, ठीक है ना। अगर करंट अफेयर की बात करूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन और 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर के देखने को बने, डिपेंड कर रहा है कि GS के टोटल क्वेश्चन हैं कितने, है ना।
तो मैं बताऊंगा करंट अफेयर कैसे कैसे आपको कनेक्ट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो हम डायरेक्ट करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे कि अभी हाल ही में चल क्या रहा है ना। अब इसके साथ में जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, अब इंडियन पॉलिटी में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया सिटीजनशिप नागरिकता। तो अब नागरिकता संबंधित करंट में मामला चल रहा है ना, आपने सुना होगा CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो कहना है कि नागरिकता जो अधिनियम चल रहा है अब वो करंट का मामला हो गया। तो हम लोग लिंक करेंगे उसको एक दूसरे से कि अभी का मामला क्या है और सब्जेक्ट के साथ में क्या है, तब जाके हमारा ये GS अच्छे से तैयार होगा गाइस, है ना। और इस कंपटीशन एग्जाम में अगर एग्जाम क्रैक करना है तो GS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ इसको तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आप लोग कंप्लीट कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, कोई भी डाउट बने मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस देश के नगर विमानन मंत्रालय ने COVID-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। किस देश ने किया है गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भारत ने किया है ना। जितने भी सुदूर देश हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे भी इन्होंने जो भी आवश्यकता वाली जो भी एसेंशियल गुड्स हैं वो पहुँचाने के लिए इन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, लाइफलाइन उड़ान। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफलाइन उड़ान का संबंध किससे है, तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराने के लिए, ठीक है जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। पता है कोरोना वायरस चल रहा है और यहाँ मिसाइल परीक्षण चल रहा है, तो ये कौन देश कर सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने यह मामला किया है, एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है इन्होंने, ठीक है ना, उत्तर कोरिया, ध्यान रखेंगे इसको। हाल ही में किस संस्था ने COVID-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवशेक का विकास किया है, किस संस्था ने किया है। तो गाइस ये आपका DRDO ने किया है, DRDO ने, है ना। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो देश में संक्रमित जो संख्या पहुंच गई 11,000 से भी पार हो गई, 12,000 से भी पार हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से टेस्टिंग वगैरह हो पाएंगी। तो कोशेक नाम का जो विकास हुआ है किसके द्वारा हुआ है, DRDO के द्वारा, ठीक है। अगला देखते हैं, एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, भारत करेगा इसको, ठीक है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत करेगा, नवंबर दिसंबर का टाइम बताया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में ये आयोजित होना है, लेकिन अभी तो एज ऑफ नाउ तो भी लॉकडाउन है, अब आगे नवंबर दिसंबर आने में भी समय है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता है आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए गाइस, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर नवंबर दिसंबर 2020 में रहेगा, भारत करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग YouTube चैनल है लेट्स क्रैक SSC एग्ज़ाम, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो और साथ में मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, LiveNK, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जो भी क्लासेस रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 9:30 हमारी क्लास रहेगी, 9:30 आप लोगों से मुलाकात होती है, देखते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट GS के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और जो स्पेशल क्लास रहेगी और जो प्लस की क्लास रहेगी उसका टाइमिंग आप लोग देखिए, अब कई क्लासेस हैं वो मैं असाइन करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिए, नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो का बटन होगा उसमें, उस पर टिक कर दीजिएगा, तो जो भी मैं क्लासेस वगैरह लूँगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।